तो आज है संडे का दिन और हमने कर ली दोस्तों की पार्टी। तो मछली लेने के लिए सोचा था कि इब्राहिम मेरे भी जाएंगे, लेकिन अंगर भाई से जाते रहते हैं हमेशा, तो आज इन्हीं से ले ली। और माशाल्लाह माल भी अनवर भाई के पास बहुत अच्छा था, मछली परचेज करिए। तो अनवर भाई, ये आप अपना एड्रेस समझाए था हमारे दोस्तों को। भाई अनवर भाई हमारे खड़े होते हैं भावर मार्केट में, देख सकते हैं ये रोड जा रहा है लांडी 89 की तरफ, और ये आ रहा है लांडी 6 से, और ये भावर मार्केट है इमाम बार के करीब अनवर भाई खड़े होते हैं, और सुबह आ जाते हैं जल्दी। तो अनवर भाई आप ये मछली बना दें हमारी, और इंशाल्लाह जो है फिर आपके पास हमारे वो जो सब्सक्राइबर वगैरह होंगे इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, और आप उनको मुनासिब रेट लगा के दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, इंशाल्लाह भाई शुक्रिया। ये मछली ले आया हूँ पीसेस करवा के, और अब इसमें नमक लगा के रख दूंगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, फिर इंशाल्लाह इसको वॉश करके फिर इसमें मसाला लगाऊंगा और फिर इसको रख दूंगा 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि मैरिनेट हो जाए। तो जी हल्दी डाली, हल्दी के बाद डाली हमने मिर्ची, वही डाली पिसी हुई मिर्ची, आदी, 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 आदी। और जी पिसी हुई मिर्ची के बाद थोड़े से 10 पैकेट फिश मसाला फ्राई भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, और जो है ना बोटियां बनाना आसान काम है गाय बकरे की, लेकिन ये मछली बनाना बहुत मुश्किल काम है। पहले इसकी धुलाई सफाई, फिर मसाला, और फिर ये जो कांटे चुभ रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब ये नींबू लगा दिया मछली पे मसाला लगाने के बाद, और बस अब इसको मैरिनेट होने के लिए हम रख दिए। सही वाला मसाला नहीं लग गया है, मछली में मसाला लगा के उसको रख दिया मैरिनेट होने के लिए। और हम तो दोस्तों आ गए हैं अपने दोस्त की छत पे रूफ पे, और प्रोग्राम जो है अपने मगरिब की नमाज़ के बाद जो है स्टार्ट करेंगे। सलमान भाई हमारे आ चुके हैं, और सामान हमारा ये रखा हुआ है, बाकी चटनी वगैरह और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ रखी हुई हैं, अभी लड़कों का इंतज़ार है। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के मगरिब की फिर अपने इस बारबेक्यू को स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो दोस्तों माशाल्लाह जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, शाही भाई सलमान भाई आ चुके हैं, हमी भाई भी आ चुके हैं, अयाज भाई भी और आसिम भाई भी, मेरा भाई भी आ गया आसिम, और जो है ना साला तो पहले आ गया था। ये आप देखें, ये जो है भाई मछली जो है वो फ्राई होने जा रही है इंशाल्लाह, ऑयल गर्म होने वाला है, आज तो कुछ ज्यादा फ्राई होगी, और जो है वो यहाँ पे ये बारबेक्यू हो रही है। ग्रिल स्पेशलिस्ट शेफ जो है सनी, उसका नाम डालते हैं हमी भाई जो है ना, ग्रिल स्पेशलिस्ट शेफ है, और अगर ये जली तो फिर जो है ना, फिर ये जो है ना इनके पेमेंट की जो ना डबल ली जाएगी। ये राशिद वाले से काम सीख क्या है बताओ, तो आसिफ भाई क्या कह रहे हैं आप, ये राशिद वाले से भाई काम सीख क्या है, ये वहीं राशिद वाले से काम सीख क्या है, आप सर्दियों में वहीं चले आएंगे भाई। अभी तीन बंदे काम है, आया अपना खुर्रम, मुस्तफा और फवाद उस्मान, और उस्मान भाई जो खास तौर पर जो है ना वो भी आ रहे हैं, थोड़े बिजी है। मछली फ्राई हो रही है, सला भाई ने जो है ना मछली डाल दी है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए, और यहाँ जो है ना ये मछली जो है ना ग्रिल हो गई है, मछली ग्रिल हो गई है भाई, भाई ये हो गई है।
समी बस काफ़ी है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हमने जो है ना चिकन का भी सोचा कि कर लें, क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं वो जो है ना वो नहीं खाते मछली नहीं खाते, तो जो है ना वो हमने स्पेशल जो है ना चिकन थोड़ी सी जो है ना करवाई है भाई। बारबेक्यू फिश जो है वे आखिरी मराइल पर है और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी तैयार हो गई है। अल्लाह पाक ने इज्जत और मेहनत दोनों ही जो है ना बचा ली है। बाकी जो दूसरी हाँ ये हो गई खुर्रम ये हो गई है और ये जो है ना ये फ्राई हो रही है, चलाने से नहीं होती खराब, और ये टूट रही है। निकालो जल्दी निकालो चूल्हा का करो। जूसी आफ्टर ग्रिल जूसी टिक्का बिफोर फाइनल। आप इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला मलाई वाला और डाल दें, मैरिनेट वाला माशाल्लाह। उसके बाद इसका मजा और जबरदस्त है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये मछली ग्रिल भी हो चुकी है और ये माशाल्लाह हमारी मछली फ्राई भी हो गई है भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और जो पढ़ लो जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्ला। यार ग्रिल तोड़ा किधर है यार। तो दोस्तों ये हमारे सारे दोस्त जो है ना अब ये खाने के लिए जो है ना रेडी क्या हो गए बल्कि शुरू हो गए माशाल्लाह। भाई कोई कमेंट कैसी है क्या है? बहुत चले जी हमने भी खाऊंगा और इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा कमेंट करेंगे।